अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई चैनल क्लीनिट्स। आज हम बनाना सीखेंगे टसल्स ऊन से। आप टसल किसी भी धागे से बना सकते हैं, इवन रिबन से भी बना सकते हैं। इसके की चेन्स बनते हैं, इसके कपड़ों पे भी यूज़ कर सकते हैं आप टसल्स। आप शॉल्स पे भी यूज़ कर सकते हैं, दुपट्टे पे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे आप टसल्स यूज़ कर सकते हैं। बहुत यूज़फुल होते हैं और बनाने में बहुत आसान होते हैं। आपने सिंपली धागा लेना है और यहाँ पे पकड़ लेना है एंड रैप करते जाना है। ये स्मॉल साइज़ है। अगर आप बड़ी साइज़ के लिए बनाना चाह रहे हैं तो कोई भी ऐसी हार्ड सी चीज़ ले लें, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स हो गया या कोई भी ऐसी चीज़, कॉपी हो गई। अगर फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी साइज़, डिपेंड करता है कि क्या साइज़ बनाना चाहते हैं, फिर आप कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसे रैप कर लिया है। थिकनेस मैंने इसकी ये रखी है। आप अगर इसे और थिक रखना चाहते हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप इसे और थिक करें तो आप और ऊन लपेट लें उसके ऊपर। अब हमने एक और धागा लेना है सेम कलर का। अगर आप कोई कंट्रास्ट भी करना चाहें तो वो आप पे डिपेंड करता है। धागा लेके आपने यहीं पे ही इसके अंदर फिक्स करके और नॉट लगा देना है। नॉट लगा दिया आपने। अब हम उतार लेंगे इसे। उतारने के बाद इसे आप इधर ही रहने दें और एक और धागा ले लें। ऐसे थोड़ा सा शेप दे दें और इसके ऊपर लपेट दी जाए। यहाँ पे अब हमें काफ़ी धागा इसके ऊपर लपेट लिया है। अब नॉट लगा देना है। 3-4 दफ़ा नॉट लगा के इसे सिक्योर कर देंगे हम, ताकि टसल हमारा खुले ना। हमने यहाँ पे 3-4 नॉट लगा दिए हैं। आप सिक्योर करने के लिए कितने भी लगा सकते हैं। अब आपने इस वाले नॉट को टाइट कर लेना है। हमने लाइटली नॉट लगाया था ताकि हम पहले यहाँ पे लपेट लें धागा, उसके बाद देख लें कि हमें सही से शेप मिल जाए इसका। अब हमने लास्ट में ये जो सारे धागे हैं यहाँ से काटने हैं। कि आप देख लें कि कोई धागा अगर रहता है तो उससे भी काट लें। सारे धागे हमने काट लिए हैं। अब लास्ट में ये है हमारा टसल तैयार हो गया है। बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है ये, और डेकोरेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। बच्चों की कैप्स पे भी लगता है, स्वेटर्स में भी लगा सकते हैं आप, बाजू पे और शॉल्स पे, स्कार्फ्स पे ख़ास तौर पे बहुत प्यारा लगता है। अब जो ये आपके पास ऊन बची है, इससे आप टाक सकते हैं, ये जहाँ पे भी टाकना चाहें। और अगर आप इस पर मोती डालना चाहें, पर्ल्स वगैरह, तो यहाँ से आप डाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये हमारा टसल तैयार हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी हेल्प हो गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।